गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ध्यान दिया जाए, आज हम लोग द सोल्जर यानी सैनिक पोएम का पूरा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे और जो भी है वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए ध्यान देते थोड़ा सा। द सोल्जर यानी सैनिक, ये जो किसके द्वारा लिखा गया बाबू? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, क्लियर ना? रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो है 1887 ईस्वी में हुई है और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हो गई। चलिए देखिए द सोल्जर का कुछ द सैनिक का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा सोल्जर जो कविता है वह टोटली कितनी लाइन की है? 14 लाइन की कविता है ना? 14 लाइन की कविता होने के चलते द सोल्जर जो है वो हमारा सोनेट पोयम है। कितना कौन पोयम है? सोनेट। और सोनेट हम किस प्रकार की कविता को बोलते हैं? तो वैसी कविता जो 14 लाइन की होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं, जो कविता अगर 14 लाइन की होती है। दूसरा चीज, इसका द सोल्जर इस चैप्टर में आई थिंक इंग्लैंड नामक शब्द और इंग्लिश नामक शब्द का यूजेज 6 बार किया गया है। यानी इसमें इंग्लैंड और इंग्लिश नामक शब्द को इंग्लैंड और इंग्लिश नामक शब्द का यूजेज जो है 6 बार किए हुए हमारे रूपर्ट ब्रूक साहब। चलिए थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट वाज बॉर्न 1887 इन अ वेल टू डू डैश फैमिली। रूपर्ट ब्रूक डैश फैमिली में जन्मे थे। तो कौन सी फैमिली थी उनकी? क्या वह वाशरमैन की यानी धोबी की वो फैमिली थी? एकेडमिक फैमिली? क्या वो शिक्षा से जुड़ा हुआ फैमिली था? स्कूल से जुड़ा हुआ फैमिली था? क्या कैथोलिक था? किसमें से? कोई नहीं। तो हमारे रूपर्ट ब्रूक साहब किस प्रकार के फैमिली में जन्मे थे? तो एकेडमिक फैमिली में जन्मे थे। अगला क्वेश्चन है, रूपर्ट्स फादर वाज अ हाउस मास्टर एट डैश स्कूल। यानी रूपर्ट ब्रूक के पिताजी हाउस मास्टर थे। तो हाउस मास्टर तो थे लेकिन कौन से स्कूल में थे? क्या वो क्लार्क स्कूल में थे? क्या वो रूबी स्कूल में थे? क्या वो किंग्स स्कूल में थे? किसमें से? कोई नहीं। बताइए जल्दी से कौन से स्कूल में थे भैया? तो रूबी स्कूल में थे। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, रूपर्ट वाज एजुकेटेड इन डैश कॉलेज। रूपर्ट ब्रूक को एंड रूपर्ट ब्रूक ने अपने शिक्षा को ग्रहण किया तो स्कूल में तो ग्रहण किया यहाँ पे रूबी स्कूल में, और कॉलेज जब उन्होंने गया तो कौन से कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की वो पूछा जा रहा है। तो क्या क्लार्क्स कॉलेज में? क्या रूबी कॉलेज में? क्या किंग्स कॉलेज में? तो इसका बेस्ट मेरा आंसर कौन होगा? जल्दी से टिक करिए ABCD। यानी मेरा बेस्ट आंसर होगा किंग्स कॉलेज। रूपर्ट ब्रूक जो एजुकेटेड हुए थे वो कॉलेज था किंग्स। अगला क्वेश्चन, डैश डिस्क्राइब रूपर्ट एज द हैंडसमस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, है ना? यानी किसने डिस्क्राइब किया था, किसने कहा था, किसने वर्णन किया था कि रूपर्ट ब्रूक जो इंग्लैंड के सबसे सुंदर यंग मैन है? क्या हमारे जॉन डॉन साहब? क्या हमारे WB Yeats साहब? क्या हमारे वर्ड्सवर्थ साहब? क्या इसमें से? कोई नहीं। जल्दी से खड़ाक आंसर टिक करेंगे। किसने कहा था? तो हमारे वर्ड्सवर्थ। थोड़ा सा रुक जाइएगा, देखते हैं इस क्वेश्चंस को। सॉरी, WB Yeats किधर गया भैया? विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं थे भैया वो, हमारे WB Yeats ने कहा था रूपर्ट ब्रूक को मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, रूपर्ट डाइड ऑफ डेथ ऑन अप्रैल 23, 1915 एट गेबी पॉली। गेबी पॉली में, है ना,
बैटल के दौरान, युद्ध के दौरान हमारे रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल 1915 को। लेकिन किसके वजह से हुई थी? तो वो थी उनकी बीमारी, क्या सेप्टिकेमिया से उनकी मृत्यु हुई थी, क्या ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, क्या फीवर से हुई थी? तो जवाब है मेरा सेप्टिकेमिया से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, रूपर्ट वाज अ डैश पोएट, रूपर्ट ब्रूक कैसे कवि है? क्या वो पीपल्स, क्या चिल्ड्रेन, या रोमांटिक, या वार? तो जवाब है हमारे रूपर्ट ब्रूक साहब वार पोएट है, वार पोएट यानी युद्ध से रिलेटेड कवि है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वार पोएम्स ऑफ रूपर्ट ब्रूक, है ना, रूपर्ट ब्रूक के वार पोएम्स कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या रूपर्ट ब्रूक के 4 हैं, क्या 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं? तो इनके युद्ध से जुड़ी हुई कविताएं 5 है, और पांचों के पांचों सोनेट है, यानी 14 लाइन की कविता है। एक और क्वेश्चन समझा लेते हैं, यहां से पूछ देगा आपसे कि द सोल्जर इज अ डैश पोएम, अगर ऑप्शन में सोनेट डालता है तो डेफिनेटली आप सोनेट टिक करेंगे, क्योंकि यह सोनेट भी है, क्योंकि ये 14 लाइन की कविता है। अगले पोएम को हम फिर से डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, अगले पोएम का ऑब्जेक्टिव फिर ला रहे हैं, फिर आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान दिया जाए, देखते हैं, मैकेविटी द मैस्ट्री कैट, यानी मैकेविटी जो है एक बिल्ली का नाम है और एक रहस्यमयी बिल्ली है, बहुत ही रहस्यमयी बिल्ली है, और ये कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया है? टी एस एलियट के द्वारा लिखा गया, और टी एस एलियट इस चैप्टर में एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में बताते हैं, जिस बिल्ली का नाम क्या है? मैकेविटी। और एक ऐसी सातिर बिल्ली है जो कोई भी अपराध करने के बाद, कोई भी चोरी करने के बाद अपने किसी भी क्ल्यू यानी अपने किसी भी निशान को नहीं छोड़ती है, और इस बिल्ली को पकड़ने के लिए हमारे लेखक स्क्रैप पेपर, स्क्रैप पेपर को भी हॉल में और सीढ़ियों पर बिछाया, एक ऐसा पेपर है कि जिसपे निशान पड़ जाता है, लेकिन ये स्क्रैप पेपर भी क्या पड़ गया था? यूजलेस पड़ गया था, मतलब बेकार पड़ गया था, लेकिन फिर भी मैकेविटी को पकड़ना मुश्किल था, है ना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, यानी मैकेविटी इतनी सातिर बिल्ली थी, क्योंकि इसके पास एक लेविटेशन पावर होता है, लेविटेशन का मतलब होता है उछलने कूदने की शक्ति, और ये उछलने कूदने की शक्ति से हमेशा फकीर बनी भी रहती थी। सुने होंगे आप लोग कहावत कि सात मुस खा के बिलाई भैली भक्ति, तो वही कहावत है यहाँ पर मैकेविटी के भी साथ, है ना, कोई भी अपराध, कोई भी मतलब चोरी कर लेती थी, और जिसके बाद इसका कोई निशान वहां नहीं मिलता था और पता ही नहीं चल पाता था कि ये चोरी मैकेविटी की है। अंत में अब बताइए, चोर का हाल चोर में जानेगा, असाधु के हाल साधु। तो इस बिल्ली को पकड़ने के लिए लेखक ने लास्ट में चर्चा किया है ग्रिडल बोन और मन गुजरी, ए जब दो बिल्ली को बुलाया गया तो ए नेपोलियन ऑफ क्राइम पे का किया गया, कंट्रोल किया गया, तो ये क्राइम पे या जो भी मतलब यहाँ पे क्राइम हो रहा था, जो भी अपराध कर रही थी मैकेविटी, इसके ऊपर कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हाथ किसका हुआ? तो वो गिडलबोन और मनगुजरी। गिडलबोन भी एक प्रकार की बिल्ली है, मनगुजरी भी एक प्रकार की बिल्ली है, ये दोनों बिल्लियों के द्वारा इसके ऊपर कंट्रोल किया गया। चलेंगे देखते हैं इसके थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को। टी एस एलियट वाज बोर्न इन डैश संत लुईस मैसूरी यूएसए। ध्यान देंगे, हमारे टीएस एलियट साहब का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो मैसूरी एक जगह है, जहां पर मैसूरी में एक संत लुईस जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, और पूछा जा रहा है कि कब हुआ था, 1856 में, 1853 में, 1888 में, 1887 में। तो बताइएगा हमारे टीएस एलियट साहब का जन्म कब हुआ था? हमारे टीएस एलियट साहब का जन्म 1888 ईस्वी में संत लुईस मैसूरी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। चलेंगे जरा क्वेश्चन, टीएस एलियट बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, टीएस एलियट कौन से रिलीजन, कौन से धर्म से बिलोंग कर रहे थे?
क्या कैथोलिक थे, क्या एंग्लो कैथोलिक थे, क्या हिंदू थे? तो जवाब है मेरा एंग्लो कैथोलिक थे। अगला क्वेश्चन है, इलियट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द सेंचुरी। टीएस इलियट कौन सी शताब्दी में, है ना, जितने भी महान कवि थे उनमें से एक थे, तो क्या वो 17वां सदी, क्या 17वां सदी था, क्या 18वां, क्या 19वां, क्या 20वां? वह मेरा 20वां शताब्दी था। कौन शताब्दी था? 20वां शताब्दी था। और 20वीं शताब्दी में हमारे टीएस इलियट साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट थे। कौन से? 20वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, यहां से ध्यान देंगे सबको, इलियट वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन डैश। याद रखेंगे, जितने भी हमारे कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, जिनको भी नोबेल प्राइज मिला है, वो वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया था तो कब दिया गया था, 1943 में, 1946 में, 1954 में, 1948 में? तो टीएस इलियट को नोबेल प्राइज से सम्मानित कब किया गया था, वो भी लिटरेचर के क्षेत्र में? तो इनको 1948 में दिया गया था। इनकी सबसे महत्वपूर्ण ये वाला क्वेश्चन है, टेस्ट मैकेवेली द मैस्टरकार्ड का ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेस्टलैंड आस वेडनेसडे फोर क्वार्टेट्स वेयर रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? क्या हमारे जॉन किट्स साहब लिखे हैं, क्या विल्ट वाल्ट्ज ने लिखे हैं, जॉन डॉन लिखे हैं, या टीएस इलियट साहब लिखे हैं? जवाब है टीएस इलियट। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को किस नाम से पुकारा गया है? तो मैकेविटी को हमारे कवि हिडन पाव, मैकेविटी को क्रिमिनल, ये सब नाम से पुकारा गया है, है ना। और अंत में ये दो बिल्ली आई, मनगोजरी और गिडल बोन, जो मैकेविटी पे क्या की थी, कंट्रोल की थी। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, अगले हम पोएम की तरफ चलते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। चलिएगा, अभी हम स्नेक चैप्टर को कवर करेंगे। स्नेक सांप, जो किसके द्वारा लिखा गया है, डी एच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ध्यान देंगे, फर्स्ट इसका स्टोरी बताते हैं। एक सांप जो है लेखक के नाद, नाद समझते हैं ना, जहां पे नाद हम बोल सकते हैं उसको, जहां पे मवेशियों को पीने के लिए पानी वगैरह रखा जाता है जिसमें, तो इनके वाटर ट्रॉफ के पास एक सांप जो है डेली आया करता है। और हमारे वाल्टर डेला मेयर्स हाथ में ऐसे घड़े लिए हुए कार्बो ट्रीज के नीचे, कार्बो ट्री उसी पेड़ के नीचे हाथ में घड़ा लिए हुए और उस सांप का इंतजार करते हैं कि सांप अब आएगा। लेकिन अंत में कभी ये सोचते हैं कि सांप जो है हमसे पहले आकर चला गया, कभी ये लग रहा है कि सांप अभी नहीं आया है, तो ये सोचते हैं कि हमें वेट करना चाहिए। और हमारे डीएच लॉरेंस साहब उस सांप का आने का वेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब इंतजार करना शुरू करते हैं। सांप आता है, मवेशियों की तरह पानी पीता है, जैसे मवेशी अपने जीभ को निकाल कर पानी पीता है, उसी प्रकार से पानी पीता है, अपने सर को हिलाता है। और हमारे लेखक डीएच लॉरेंस साहब ये सारी उसकी जो भी उसके द्वारा काम की जा रही है वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन सांप जो है कभी को नहीं देखता है, कभी अपने मग्न है और सांप अपने धुन में मग्न है, है ना। तो कभी लेखक के अंदर की आवाज आती है कि, मतलब इनकी दिल की आवाज कहती है कि अगर तुम एक व्यक्ति हो, एक इंसान हो, तो उठाओ स्टिक और इसे खत्म कर दो, मार दो, है ना। लेकिन ऐसी बातें हमारे डीएच लॉरेंस साहब के मन में आती है, लेकिन ये कभी सोचते हैं कि मारे या ना मारे, है ना। फिर कहते हैं कि हमारे लिए गेस्ट है, ये सब बातें कहकर, और ये सांप को मारना पसंद नहीं करते हैं, है ना। और कहते हैं कि जिस प्रकार से एक अल्बाट्रोस पक्षी होती है, समुद्र के किनारे मिलती है, वो आपको कभी कभार देखने को मिल जाए शायद, उसी तरह से ये जो सांप है ये मुश्किल से है, हमें मिला है, और उसी की चर्चा इस स्नेक चैप्टर में किए हैं। और स्नेक चैप्टर में, सांप चैप्टर में हमारे डीएच लॉरेंस
यानी पुरानी चीजें यानी प्रिमिटिव लाइफ और मॉडर्न लाइफ के बीच में अंतर बताए हैं। चलिए थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं हम लोग, चलेगा। द स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ, यहां आ गया क्वेश्चन। वाटर ट्रॉफ का मतलब होता है नाद, है ना। एक सांप जो है 10 दिनों में मेरे वाटर ट्रॉफ मेरे नाद के पास आता था। अब कौन सा दिन था भैया? कोल्ड, हॉट, रेनी, नॉन, कौन सा दिन? तो हॉट दिन था, यानी जुलाई इन सिलिशियंस, यानी बहुत ही गर्मी था। लेखक हमारे पैजामा पहने हुए हैं और पैजामा में हाथ में घड़ा लिए हुए उस वाटर ट्रॉफ पेड़ के नीचे, सॉरी कारोप ट्री के नीचे उस वाटर ट्रॉफ के पास इंतजार करते हैं सांप का आने का। मेरा आंसर क्या होगा? और अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्लैक स्नेक्स आर, जब इनके मन में आवाज आती है ना कि ये सांप को मार देना चाहिए, तो फिर इनके मन में ये बातें आती है कि जितने भी काले सांप होते हैं ब्लैक स्नेक होते हैं वो निर्दोष होते हैं, मतलब काटते वटते नहीं है, है ना। तो वही क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट वेनोमस, इनोसेंट मतलब निर्दोष, वेनोमस मतलब जहरीला, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, कौन सा मेरा बेस्ट आंसर? तो इनोसेंट होगा। गोल्ड स्नेक्स आर, और ये चर्चा करते अपने मन में ही कि जो भी यानी गोल्ड यानी पीले सांप होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? वेनोमस होते हैं। वेनोमस मतलब होता है जहरीला। चलेंगे अगला क्वेश्चन के लिए। तो अ स्नेक लुक एट द पेट, सांप ने कभी पर देखा यानी कभी को देखा, क्या विजुअली, अस्पष्ट, क्लियरली, अस्पष्ट, सीमेन ऑन। तभी बताया ना आपको कि सांप जो है हमारे कभी डीएच लॉरेंस साहब को नहीं देखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वेजुअली। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस फादर वर्ड एस, आपको पता होगा कि डीएच लॉरेंस साहब के पिताजी क्या थे? एक श्रावी मतलब भद्द किस्म के इंसान थे, और इनकी माँ जो थी वो एजुकेटेड थी, शिक्षित थी, और इनकी देखभाल करने के काम वो माँ ने ही की थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या डीएच लॉरेंस फादर वाज ड्रंकेन, सुबहदबा के संग पकड़ रहे हैं, हाँ, जेंटल, ऑनेस्ट, नॉन। तो मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा? ड्रंकेन। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस वॉक्स आर, डीएच लॉरेंस की रचनाएं, चले चर्चा करते हैं। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, द व्हाइट पीकॉक, द ट्रेसपासर, सॉन्ग्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम्ब सर्पेंट, या और। तो मेरा जवाब है बाबू, आंसर नंबर क्या होगा इसका? जी और। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना नंबर? 6 नंबर। रचना जितना भी है, रचना आप जरूर याद करेंगे, रचना से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, अल्बाट्रोस इगडेस, है ना, अल्बाट्रोस क्या है? अल्बाट्रोस बर्ड है, हाँ जवाब है बर्ड है। अगला क्वेश्चन, लार्ज व्हाइट सीवर्ड, क्या एक बड़ी समुद्री पक्षी है जो उजली कलर की है, क्या बिल्ली है? तो जवाब नहीं। मेरा बेस्ट आंसर कौन दिख रहा है, बर्ड या लार्ज व्हाइट सीवर्ड? तो मेरा बेस्ट आंसर होगा कितना नंबर? बी नंबर। अगले पोयम हम अभी कवर करने जा रहे हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी मेरी दादी माँ का घर, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ध्यान दे जाए, अभी हम कवर करने जा रहे हैं माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी मेरी दादी माँ का घर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी मेरी दादी माँ का घर, जो किसके द्वारा लिखा गया है? कमलादास। कमलादास का जन्म केरला में हुआ है, कहाँ हो? केरला। और कमलादास इंग्लिश लिटरेचर और मलयालम लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य और मलयालम साहित्य दोनों में इनको एक रिस्पेक्टेबल प्लेस, एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त था हमारी कमलादास को। और ये माई ग्रैंड मदर हाउस अपने दादी माँ के घर के याद को करते हुए और लिखती है इस कविता को, है ना। इसके कविता हम लोग पढ़े किए हैं पूरा, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करते हैं। चलेगा, डैस हैज अर्न्ड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ
इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। डैश ने है ना बाबू मलयालम लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों में एक सम्मानजनक स्थान को अर्न मतलब कमाया था या पाया था। तो कौन थी वो, सरोजिनी नायडू या कमला दास? सरोजिनी नायडू या कमला दास? मतलब बेस्ट आंसर कमला दास। कमला ऑटोबायोग्राफी वाज पब्लिश्ड इन, ध्यान दें कमला दास की जितनी भी कविताएं आती है और टोटल की टोटल इनकी ऑटोबायोग्राफी इनके आत्मकथा से जुड़ी भी रहती है। तो वे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि ऑटोबायोग्राफी जो इनकी थी वो कब प्रकाशित की गई थी, यानी कमला दास की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा डैश में प्रकाशित किया गया था। तो कब किया गया था? 1973, 1974, 1975, 1976। अगला क्वेश्चन है, इन डैश कमला वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज, है ना? कब कमला दास नोबेल प्राइज के लिए एक लिस्ट में चुनी गई थी, क्योंकि जब भी किसी को नोबेल प्राइज दी जाती है ना तो उसके लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है। तो उसी तरह से हमारे कमला दास भी 1984 ईस्वी में नोबेल प्राइज के लिए चुनी गई थी बट नोबेल प्राइज मिला नहीं इनको। कमलास पोएट्री इज प्राइमरली डैश, यानी कमला दास की कविता डैश प्राइमरली यानी प्रारंभिक, इनकी जो प्रारंभिक कविताएं हुआ करती थी वो बायोग्राफिकल थी या ऑटोबायोग्राफिकल थी या सोशलिज्म थी या नॉन। देखेंगे एक शब्द यहां पर आया बायोग्राफिकल, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में अंतर क्या है, यानी खुद की कथा खुद के द्वारा लिखा जाता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी, खुद का कथा कोई और लिखता है तो बायोग्राफी। तो ये अपना ही कथा अपने कथा के अकॉर्डिंग टू इनकी स्टार्टिंग में जो कविताएं आई प्राइमरली और टोटल ऑटोबायोग्राफी थी। कमला इज नॉन फॉर डैश एडवेंचर इन हर राइटिंग, कमला दास को अपने लेखन कला में डैश एडवेंचर के लिए जाना जाता है। अनसेक्सुअल एडवेंचर, सोशल एडवेंचर, सेक्सुअल एडवेंचर, मेरा बेस्ट आंसर सेक्सुअल एडवेंचर के लिए जाना जाता है। देखिएगा एक कविता जो है माय ग्रैंड मदर हाउस, ये अपने दादी माँ की घर की याद को करके लिखती है और कहती है क्या कि वो जो घर है अभी बहुत दूर है, मैंने वहां जाने के लिए कितना बार सोचा लेकिन मैं नहीं गया, मैं नहीं गई। और वो घर जो है एकदम पूरा सांपों से या मतलब पूरे होता है कलर डार्कनेस वगैरह सब, मतलब एकदम बंजर मंजर बन जाना, एकदम बेकार बन जाना वो घर, है ना? तो ही क्वेश्चन है यहाँ पे अगला, अ स्नेक मूव्ड अमंग डैश, ये सांप जो थे डैश के बीच घूमते थे। तो यहाँ पे कमला दास इसी घर में रहा करती थी अपने दादी माँ के साथ, तो वहां पे इनकी कुछ किताबें थी और उसी किताबों में ये इमेजिंग करती हैं कि हो ना हो कि वहां पे किताबों के बीच सांप जो है क्या करते होंगे, घूमते होंगे और वो घर जो है सुनसान पड़ गया होगा, एकदम भूत का डेरा भूत का अड्डा हो गया होगा, ऐसे हमारी कमला दास कहती हैं। और कहती है कि मैंने वहां पे जाने के लिए कितना बार सोचा, तो भाई समय निकल गया पूछा था तो फिर वही बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, A snake moved among desks, books, tables, bedroom, non. सांप कहां घूमते थे, किताबों में। कमला's important works, कमला दास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे, आप लोगों को टेस्ट में दिया गया था ये, समर इन कोलकाता, साइरंस, या सल्ला, अन्ना मटल्स पोएम, ओनली संत नो हाउ टू सिंग, एफ ऑल, क्या हाँ ये सभी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रचना आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि रचना से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अगले पोएम की तरफ चलते हैं, फायर हेवन, और ये लास्ट पोएम है, इसके बाद हम कवर करेंगे प्रोज वाला सेक्टर का, फिलहाल आप नोट कर ले इसको। आज पोएम का लास्ट पोएम है फायर हेमन, जो किसके द्वारा लिखा गया है बाबू, के एन दारू वाला,
है ना, थोड़ा सा देखते हैं इसको। यानी फायर हैमन आग की प्रशंसा, यानी यहाँ पे चलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे थोड़ा सा, जो KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया एक कविता है, चलेगा। डैश रिसीव्ड साहित्य एकेडमी एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, है ना, किसने साहित्य एकेडमी एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड को रिसीव किया था? क्या हमारे जॉन किट साहब, KKN दारूवाला साहब, TS इलियट साहब, या इसमें से कोई नहीं? तो हमारे KKN दारूवाला, इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड दोनों से सम्मानित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिफोर द पोएट दारूवाला वाज इन डैश सर्विस, यानी कवि से पहले दारूवाला किस सर्विस में थे? तो क्या वो डॉक्टर में थे, क्या वो आर्मी थे, क्या पुलिस थे, या टीचर थे? तो हमारे दारूवाला साहब पुलिस विभाग में थे। अगला क्वेश्चन है दारूवालास इंपोर्टेंट वर्क्स, दारूवालास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, है ना, अंडरवरियन इन्हीं की रचना है, एप्रिएशन इन अप्रैल भी इन्हीं की रचना है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन्हीं की रचना है, यानी डी ऑल। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि रचना को जरूर याद रखेंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन, डैश बिलोंग्स टू ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन, है ना, यानी ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन से कौन बिलोंग करते थे? क्या हमारे जॉन डॉन साहब, वॉल्ट व्हिटमैन साहब, दारूवाला साहब? ध्यान देंगे यहां पे एक चर्चा किया गया है ज़ोरोस्ट्रियन का, लेकिन आपके टेस्ट एग्जाम में कभी कभी इसको चेंज कर देता है। अगर ज़ोरोस्ट्रियन नहीं देता है तो याद रखेंगे हमारे दारूवाला साहब पारसी, इनका कौन धर्म था बाबू, पारसी धर्म से भी बिलोंग करते थे, यानी ज़ोरोस्ट्रियन इसी को बोला जाता है, पारसी को ही ज़ोरोस्ट्रियन बोला जाता है, याद रखेंगे पारसी, पारसी आप वहां पे मिस मत कर दीजिएगा। मैंने यहां ज़ोरोस्ट्रियन दिया और ज़ोरोस्ट्रियन वहां नहीं देता है तब बोलेंगे लड़े मैंने किया है, तो पारसी जरूर याद रखेंगे, अभी कवर करा दे रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है गॉड डैश चाइल्ड वाज कंसाइंड टू द टू फायर अंडर कंक्लूजंस, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि किस बच्चे को आग में आहुति दी गई, यानी हमारे KKN दारूवाला साहब का जो पहला बच्चा हुआ जो डेथ कर गया मतलब मर गया, तो उसे भी आग में क्या कर दी गई थी, यानी आग में उसकी आहुति दी गई थी मतलब जला दिया गया था उसके डेथ बॉडी को। तो वही क्वेश्चन है कौन सा बच्चा था वो लेखक, क्या क्या सेकंड था कि फर्स्ट था, फोर्थ था, थर्ड था? तो लेखक का फर्स्ट ही चाइल्ड था जिसे आग में कंसाइंड किया गया था। अगला क्वेश्चन डैश सॉल्ट टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, है ना, किसने कसम ली, है ना, फॉरगेट ऑफ फुलनेस यानी मतलब आग से कोई पाप भूल का पाप ना हो उसे बचाने के लिए किसने कसम लिया? दारूवाला साहब, TS इलियट साहब, वॉल्ट व्हिटमैन साहब, जवाब दीजिए जल्दी से। तो हमारे दारूवाला साहब, द पोएट सीज द रेड हॉट डैश, कवि ने लाल कलर की गर्म क्या देखी, तो वह देखी इंबर्स, इंबर्स का मतलब होता है चिंगारी, इंबर्स मतलब चिंगारी, चिंगारी समझते ना, एकदम जो लाल कलर का जल कर एकदम पूरा लाल दिखता है उसके अंदर पूरा एकदम रेड रेड कलर का दिखता है, जो एकदम क्रूएल निर्दयता के रूप में दिखता है, वो उसके अंदर कोई दया दिखता नहीं है, उस तरह का वो आग दिख रहा था इंबर्स, जिसको हम चिंगारी बोलते हैं। इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट अलोंग विथ हिम पासिंग बाय द घाट, है ना, यानी कभी यहां क्वेश्चन कर रहा है इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट अलोंग विथ, यानी कभी के साथ कौन था, बाय पासिंग बाय द घाट यानी घाट के किनारे, तो क्या हमारे कवि अकेले थे, क्या उनके साथ उनकी माँ थी, क्या उनके साथ उनके पिताजी थे, क्या उनके अंकल थे या ग्रैंडफादर थे? तो कौन थे भैया, उनके फादर थे, किनके फादर, तो KKN दारूवाला साहब, क्या है ना। तो ये है हमारा फायर हैमन आग का प्रशंसा, आग की स्रोत KKN दारूवाला के साहब के द्वारा लिखा कविता। कल हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे यानी हु रोट द फ्लोइंग लाइंस को, यानी कविता का कोई भी लाइन उठाकर आपको दे देता है और पूछता है कि बताओ इस लाइन को कहां से लाया गया है,
कल उसका पूरा हम वीडियो कवर करेंगे। हम सोच रहे हैं कि एग्जाम के पहले तक आप लोगों को जितना भी पढ़ाया गया है वो ऑनलाइन के माध्यम से उसको पूरा का पूरा हम रिविजन करा दें। और आप लोग ये वीडियो जरूर देखें, और देखने के बाद अपने दोस्त भाई बहन जो भी इस साल एंटर के एग्जाम दे रहे हैं उनको जरूर शेयर करें, और मनु इंग्लिश क्लासेस को पिक अप सक्सेस पे जरूर आप पहुंचाने का कोशिश करें, क्योंकि मेरे कोचिंग का जो भी पोस्टर है इसका स्टूडेंट एंड इस कोचिंग का स्टूडेंट ही इस कोचिंग का क्या है पोस्टर है, बाकी इसका कुछ पोस्टर नहीं है, आप ही लोग हैं। तो प्लीज ऑल ऑफ देम आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट। Thank you, all of you.